एटा के नगला संभल गांव में बाघ को पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ट्रैंक्विलाइजर गन से बाघ को बेहोश करने की तैयारी की गई है। ड्रोन कैमरे से बाघ को पिन पॉइंट पर बेहोश करने की तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि बाघ ने अपनी जगह बदल ली है। आगरा से रैपिड रेस्पॉन्स टीम बाघ को पकड़ने पहुंची और यहां पर आपको यह भी बताएं कि गांव में एक घर की टिन शेड पर बाघ आराम फरमाता दिखाई दिया और इसके बाद खौफजदा ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि अलीगढ़ मंडल की फॉरेस्ट कंजर्वेटर अदिति शर्मा भी मौके पर पहुंच गई। ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश किया जाएगा इस बाघ को। उसने अपनी लोकेशन बदल ली है। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है इस बाघ को ट्रेस करने के लिए। पिन पॉइंट करके बेहोश किया जाएगा। हमारे संवाददाता राकेश भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस ऑपरेशन पर लाइव अपडेट देंगे। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको, ताजा सूचना क्या है? देखिए, आपको बता दूं, एटा जनपद का नगला संभल अभी कौतूहल का विषय बना हुआ है। यहाँ पर इटावा लॉन्च सफारी से क्विक रेस्पॉन्स टीम आई हुई है, मेरठ की टीम है, आगरा की टीम है और ट्रैंक्विलाइजर गन से पिन पॉइंट पर ड्रोन कैमरे से उसको देखकर उसको नशे का एक शॉट मारने की तैयारी हो रही है जिससे उसको बेहोश करके पकड़ा जा सके। आपको बता दूं, ये सुबह से ही यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जमा है। पूरे गांव को बैरिकेड किया गया है, जाल लगाए गए हैं जिससे कोई जनहानि ना हो, कोई भी हादसा ना हो। यहाँ पर एटा का पुलिस और प्रशासनिक अमला भी है। आपको बता दूं कि अलीगढ़ मंडल की जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर है अदिति शर्मा, वो भी यहाँ मौजूद है। तो सबकी देखरेख में ये ऑपरेशन टाइगर यहाँ सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। और राकेश, आपने जो तस्वीरें भेजी हम देख रहे हैं कि ड्रोन की मदद ली जा रही है इसको ट्रेस करने के लिए और इसके पहले आराम करता दिखाई दिया शेड पे। क्या अनुमान है कि ये उठ के कहां गया होगा या इसकी लोकेशन कहां हो सकती है, इस घर से कितनी दूर हो सकती है? ये बताया जा रहा है, जो ड्रोन कैमरे से तस्वीरें आ रही है वो बता रही है पहले ये टीन पर आराम फरमाता हुआ दिखाई दिया है। जैसे ही हलचल पड़ी है तो इसने अपनी जगह बदल ली है। जैसे ही टाइगर ने जगह बदली है तो पब्लिक में मूवमेंट भी हुआ है। यहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं बहुत सूझबूझ से काम ले रहे हैं। उनका कहना है कि ये कहीं भी भीड़ में जाकर किसी पर अटैक न कर दे, इसलिए ड्रोन कैमरे से इसको पिन पॉइंट कर ट्रैंक्विलाइजर गन से इसको शॉट दिया जाएगा और बेहोश करने का जब इंजेक्शन लगेगा उसके बाद ही इस पर हाथ डाला जाएगा, पकड़ा जाएगा। फिलहाल जान माल का भी कोई नुकसान न हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है और इस टाइगर को पकड़ने की पूरी कोशिशें जारी है। आपको बता दूं, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका अनुमान यह है कि हो सकता है पीलीभीत से ये आ गया हो, कि पीलीभीत में टाइगर्स पाए जाते हैं या किसी सर्कस वगैरह से हो सकता है कहीं किसी तरह से आ गया हो। लेकिन यहाँ के गांव वालों का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में यहाँ टाइगर नहीं देखा, न ही यहाँ टाइगर किसी तरह का पाया जाता है, न ही कोई इसका मूवमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, हम देख रहे हैं कि पुलिस भी वहां पर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, तो ये जो टीम आई है वहां पर इसमें कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं? देखिए, आपको बता दूं, फॉरेस्ट विभाग के यहाँ जो डीएफओ है दिवाकर वशिष्ठ मौजूद हैं। यहाँ फॉरेस्ट विभाग की अलीगढ़ की जो प्रमुख है कंजर्वेटर अदिति शर्मा जी मौजूद है, उन्हीं की देखरेख में ये ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है। लॉयंस सफारी इटावा से यहाँ टीम आई हुई क्विक रेस्पॉन्स टीम है, अलीगढ़ की टीम है, आगरा मेरठ की भी टीम है। जो एक्सपर्ट है लॉयंस को पकड़ने के उनको सबको लगाया गया है। आपको बता दूं, खास दिक्कत ये आ रही है कि ठीक राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार में तमाम जानकारियां दी। ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कई जगहों की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, पिन पॉइंट करके बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश है।